पुलिस प्रशासन के द्वारा निकाला जा रहा फ्लैग मार्च जो पटेल मैदान से शुरू होकर प्रमुख बाजारों से गुजरा। कोरोना जागरूकता को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। कलेक्टर एसपी सहित जिले के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए किया जागरूक। कलेक्टर एसपी ने दिखाई हरी झंडी। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास। ये तो जब नवीन गाइडलाइंस आया, जो गाइडलाइंस में संशोधन हुआ, उसकी प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी कोरोना से बच के रहने और कोरोना के प्रति पूरा संवेदनशीलता जागरूकता रखें, इसके लिए इसको अवेयरनेस बढ़ाने के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरे जिला टीम के साथ साथ फ्लैग मार्च करके लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों में मैसेज देने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार द्वारा कल रात को ही कुछ लॉकडाउन में छूट देते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई शर्तें दी है, नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के मुताबिक लोगों की आवाजाही, वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। इसके लिए लोगों को सतर्क करना अति आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और नई गाइडलाइन के मुताबिक जो कोविड बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके मुताबिक लोगों का अपना आचरण तय करने के लिए कि इस ढील में भी वो सावधान रहें और तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमेशा मुंह पे मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, साथ ही एक छोटा सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखें। इन तीन बातों का पालन करते हुए उनका अगर मूवमेंट रहता है तो निश्चित रूप से इस बीमारी पर हम विजय पा सकेंगे। अन्यथा अगर भीड़ भाड़ बढ़ने पर थोड़ी सी भी लापरवाही रही और इन तीन चीज़ों का पालन नहीं किया गया तो ये महामारी तीसरी लहर के रूप में, जैसा लोग कह रहे हैं, पुनः हम पर आक्रमण कर सकती है। उससे बचने के लिए हमें इन तीन बातों का पालन करना है। अजमेर ज़िले के लोगों ने अब तक जो धैर्य और जन अनुशासन का पालन किया है, उसी तरह वो आगे भी पालन करते रहें, ये संदेश देने के लिए ही आज अजमेर पुलिस की तरफ से पूरे ज़िले में सभी सब डिविजनल हेडक्वार्टर पर, थाना हेडक्वार्टर्स पर इस तरह की जागरूकता रैली निकाली जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसका एकमात्र संदेश है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह पालन करें।